हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम शाहिद अफरीदी को एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अफरीदी जो है ना, हमें तो ऐसे लगता था जैसे अफरीदी की एज 27 पे रुक गई है, 27 से इंक्रीज ही नहीं हो रही। जब भी हम मैच देखते थे एज लिखी आती थी, जब स्टैट्स आते थे ना तो एज आती थी। अफरीदी का हमें लगता था बस ये 27 साल का ही है। हम तो खैर छोटे होते थे, हमें लगता था 27 साल का तो बंदा काफ़ी बड़ा होता है और जो है ना क्रिकेटर होता है, तो हमें बस वो 27-28 ही लगता था कि अफरीदी है ही 27-28 का। और देखते देखते हमारे, देख लें अब कोई 1995 से ये खेल रहा है तो 2022 तक कुछ 26-27 साल हो गए हैं, पर अभी तक माशाल्लाह अफरीदी को हम वैसे का वैसे ही देख रहे हैं। तो 26-27 साल एक अरसा होता है ऑलमोस्ट हमारी एज का। हम छोटे छोटे 3-4 साल के थे जबकि अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और 2016 में इन्होंने इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली थी और अब 6 साल से माशाल्लाह PSL खेल रहे हैं। और इस छोटी T10 लीग और KPL ये तो वो अभी तक खेल रहा है। तो बड़ा अफसोस हुआ कि अफरीदी की इंजरी हो गई है, और वो उन्होंने बताया है कि कोई 15 साल से उनकी इंजरी रही है। और कल उन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई है कि अब वो मज़ीद क्रिकेट नहीं खेलेंगे, PSL का उनका ये आखिरी सीज़न था ऑलरेडी। तो क्वेटा की तरफ से वो खेल रहे थे, उसमें भी उनकी काफ़ी ज़्यादा पेन हो गई, बैक पेन, तो वो नहीं खेल सके। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन ये है कि हमारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है ना, वो अफरीदी के साथ जुड़ी हुई हैं। हमें जब भी पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो ऐसी फील आती थी कि कब सारे आउट होंगे और अफरीदी का नंबर आएगा। यानी कि अगर अफरीदी ने 6 नंबर पे खेलना है ना, तो कब 4 आउट होंगे तो अफरीदी आएगा। तो ये एक फील आती होती थी शुरू से लेकर अब तक। और उस टाइम तो ये हम सोचते थे कि अफरीदी के बगैर, जब अफरीदी रिटायरमेंट ले लेगा तो शायद हमारा मैच देखने को दिल ही नहीं करेगा, फिर किसके लिए हम देखेंगे। अब तो हम इसलिए देख रहे हैं कि अफरीदी आएगा, छक्के चौके मारेगा, एंटरटेनमेंट होगी, क्योंकि हमारी एंटरटेनमेंट का ताल्लुक क्रिकेट में सिर्फ छक्कों चौकों से ही होता था। और हम कहते थे कि बस अफरीदी आ जाए और आकर बस छा जाए, छक्के चौके मारे और मैच फिनिश कर दे और एंटरटेनमेंट हो। कुछ इसकी ऐसी यादगार इनिंग्स हैं भी, जैसे एशिया कप में बांग्लादेश से जीते थे, फिर 2014 में अश्विन को 2 छक्के मारे थे, एंड में जीते थे। तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज हैं अफरीदी के साथ। तो अब फाइनली PSL से भी रिटायरमेंट हो जाएगी, मज़ीद नहीं खेल पाएंगे अफरीदी। तो हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि अफरीदी अब जो भी अपना नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ है, जो भी करे, उसमें वो सक्सेसफुल हो जिस तरह क्रिकेट में रहा है, और अल्लाह उसको हेल्दी वेल्दी रखे। इन्होंने कोई फाउंडेशन बनाई हुई है, अल्लाह इनको जो है ना उसमें कामयाब करे और ऐसे ही वो लोगों की खिदमत करता रहे। तो मेरी तो बेस्ट विशेज़ हैं अफरीदी के लिए। सो दिस इज़ इट, दिस वॉज अ शॉर्ट ट्रिब्यूट टू शाहिद खान अफरीदी। हम सब बच्चों की मेमरीज़ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। Thanks a lot for serving Pakistan cricket. Thank you so much.